अपने दौरे के दौरान चंद्रपुर पहुंचे रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कोई पालन नहीं हो रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चंद्रपुर नगर पहुंचे, उनका जांजगीर चांपा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने माता चंद्रहासिनी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। फिर वे चंद्रपुर के श्री गोपाल जी महाप्रभु के मंदिर गए, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, जिसके बाद वे एक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर कई गांव व शहर के लोग डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए चंद्रपुर के बारे में कहा कि चंद्रपुर माँ चंद्रहासिनी की शक्तिपीठ है, यहाँ पर नदियों का संगम है, शक्तिपीठ का उपासना स्थल है। प्राचीन काल से चंद्रपुर का एक अलग महत्व है, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं चंद्रहासिनी ट्रस्ट के द्वारा भगवान श्री राम अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि समर्पित की गई, वहीं 1 लाख रुपए की राशि सीता मंदिर की तरफ से समर्पित की गई। ये पूरा छत्तीसगढ़ की हालत है, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, महीनों से इनको सचेत कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था इतनी जर्जर होती जा रही है, हत्या लूट बलात्कार अपहरण जान से मार डालने वाली, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया, कितनी बेटियों को, अभी कोरबा की घटना में 3 दिन तक पड़ी रही पत्थर में दबी हुई, चौथा दिन उसकी मौत होती है, 3 परिवार के सदस्य को मारा। डेहरूराम झिझलारे जी हमारे मंत्री हैं, उनकी बहू और उनकी नातिन को किस बेरहमी से मारा गया। रोज की घटना हो गई है कि हत्या लूट बलात्कार अपराधी पकड़े नहीं जाते, और इसकी वजह यह है कि पुलिस का काम पुलिसिंग है, मगर आज पुलिस को जिस दिशा में ले जाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये अपराध बढ़ाने में इसके सहायक हो रही है। और जिस प्रकार से प्रदेश में सट्टा जुआ अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर यदि अंकुश नहीं लगा तो यही हालत होगा। मानपुर की घटना तो एक उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ में आतंकवाद और नक्सलवाद कहाँ तक बढ़ गया है। वहाँ के थानेदार ने 50 लोगों को, मानपुर के रहने वालों को नोटिस जारी किया है कि तुम मानपुर छोड़ के चले जाओ, यदि नक्सलियों के द्वारा तुम्हारी हत्या कर दी जाती है तो इसके लिए पुलिस जवाबदार नहीं है, कहीं भी यहाँ से शहर छोड़ के मानपुर छोड़ के चले जाओ। जिस सरकार में सरकार अपने हाथ उठा ले नक्सलियों को डर की वजह से, और आम आदमी को बोलने लगे कि तुम भाग जाओ, तुम डर छुप जाओ, तो प्रदेश का क्या बुरा हालत होगा, मेरे समझ के बाहर है। और उस मानपुर में लगातार 4 हत्याएँ हो चुकी हैं, और हत्याएं लिस्ट बनाकर हो रही है, हत्याएं नाम बताकर हो रही है। जिन जिन ने चुनाव लड़ा था पंचायत में सरपंच का, उनके सूची बनी है 19 आदमी की, और 19 आदमी में से 4 आदमी की हत्या हो गई है, बाकी भी बच्चे हैं उनको भी टारगेट बना के रखे हैं, उनकी भी हत्या हो जाएगी। पुलिस को सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम कराने की जवाबदारी रह गई है, और पुलिस उनकी सुरक्षा करने में असफल हो रही है। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। 15 साल मैंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के हैसियत से काम देखा है, मगर ऐसी खतरनाक स्थिति जिसमें नक्सली पूरी तरीके से सरकार पे हावी हो जाए, पहली बार महसूस हो रहा है। चंद्रपुर से कमल अग्रवाल की रिपोर्ट, ACN 24।